काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है रहा हमारा, और फर्स्ट सीजन है मेरा तेलुगु टाइटन में, तो काफ़ी अच्छा लगा, एक अपनापन सा लगा। और सभी स्पोर्टिव हैं, जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सपोर्ट करती है अपने प्लेयरों को, और कोच का जो तरीका है गाइड करने का वो काफ़ी अच्छा है, तो उसमें किसी भी प्लेयर को दिक्कत नहीं होती समझने की कि हम वो कैसे समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, तो आराम से समझ में आ जाता है। और जो सबसे खास चीज़ है, जो अपनी स्किल और टेक्निक, उसमें काफ़ी चेंज हुआ है मेरे अंदर, खुद मेरी रेडिंग में भी चेंज हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को तेलुगु टाइटन्स में। 4 सीज़न में बेंगलोर टीम में था, वहाँ भी काफ़ी अपना घर जैसा माहौल था, और अच्छी तालमेल था सबके साथ, और इधर आया तो मुझे कुछ अलग नहीं लगा, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार मिला, और अच्छे से मैनेजमेंट ने और सभी ने, प्लेयरों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, और एक सीनियर प्लेयर होने के कारण थोड़ा उनको भी ये है कि हाँ, हमारे पास एक सीनियर प्लेयर भी है जो कि ऐसे बुरी सिचुएशन में टीम को बाहर लेके आ सकता है। तो आपका प्रॉपर किधर है, कहाँ से आना? मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ, और गेम स्टार्ट मैंने अपने गांव से ही किया था, निजामपुर गांव है मेरा दिल्ली में, और वहाँ से लेके मतलब 8 9 10 साल का था मैं, तब से कबड्डी खेल रहा हूँ। तो स्कूल नेशनल खेला पहले, फिर 12th कंप्लीट की मैंने, और फिर नेवी, इंडियन नेवी ज्वाइन की, तो उसके बाद फिर अपना नेशनल नेवी की तरफ से भी खेला, सर्विसेज भी खेला, सर्विसेज कैप्टन भी रहा, और फिर बाद में मौका मिला प्रो कबड्डी में आने का। वहाँ दिल्ली में कैसा था कबड्डी, रेगुलर प्ले करते हुए? हमारे गांव में क्या है कि काफ़ी पुराने प्लेयर थे, तो वो पहले से ही इंटरनेशनल और अर्जुन अवार्डी थे, तो उनको देख के ही मैं तो स्टार्ट किया, कि क्योंकि बचपन से ही शौक था मेरे को, थोड़ी शैतानी ही करता था मैं, तो वही था कि जाके देखना कि वो खेलते हैं, तो फिर मेरा भी धीरे धीरे इंटरेस्ट बन गया। तो राकेश कुमार है, उनको देखा, मनजीत है मेरा कज़न ब्रदर है, तो उनको देख के ही फिर मेरे अंदर भी थोड़ा ये हुआ कि हाँ, मैं भी इनकी तरह कबड्डी खेल सकता हूँ, तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। कैसा रहता है आपको, आपका इंटरेक्शन कोच से और मेंबर्स से? काफ़ी अच्छा है, और कोच साहब तो काफ़ी सपोर्टिव हैं, समझते हैं। इनके साथ तो मैं, कोच साहब हमारे आर्मी से हैं, इंडियन आर्मी से, तो इनके साथ मैं पहले भी खेल चुका हूँ, लोकल टूर्नामेंट भी खेल चुका हूँ, तो इनको पता है कि एक प्लेयर को कैसे ट्रीट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस है, और प्लेयर सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हेल्पफुल टीम। मेरा बस यही है कि टीम को जैसी भी सिचुएशन आती है मैच की, कि हम लीड कर रहे हैं या फिर हम सामने वाली टीम लीड कर रही है, तो मेरा वही है कि प्लेयरों को थोड़ा सा समझाना, उनको थोड़ा प्रेशर ना ले, वो ज़्यादा हाइपर ना हो, तो हाँ वही है मेरा, कि क्योंकि मैं खुद ही ज़्यादा टेंशन लेता नहीं, तो प्लेयरों को भी यही बोलता हूँ कि कोई नहीं, जो हमने सीखा है वो हम अपना करेंगे तो 100% जीतेंगे। थैंक थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी यू, बेस्ट। थैंक यू सर।